हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर हमारे घरों में मेथी आती ही है। मेथी की हम कई रेसिपीज बनाते हैं, जैसे परांठा, सूखी आलू मेथी बनाते हैं और भी कई रेसिपियाँ बनाते हैं, पर आज हम मेथी की रसे वाली सब्जी बना रहे हैं, वो है बेसन मेथी की सब्जी। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। हमने फ्रेश मेथी ली है 250 ग्राम। इसके डंठल हटा दिए हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते रखे हैं हमने। इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया। दूसरी तरफ हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। जो मेथी हमने चॉप कर रखी थी वो डालेंगे। इसे हमने हल्का सौते करना है, आप देख सकती हैं इसी तरह। दूसरी तरफ बाउल में हमने आधा कटोरी बेसन लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा ही डालेंगे इसमें क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डालना है। इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। जितना आप इसे अच्छी तरह फेंटेंगी, जितना ये सॉफ्ट होगा, उतनी ही सब्जी आपकी अच्छी बनेगी। इतना फेंटें कि बेसन फुल सा जाए थोड़ा सा। बेसन आप देख सकती हैं मेरा फूल गया है बेसन, इसने कलर भी चेंज कर दिया बेसन ने, ये हल्का क्रीमी टेक्सचर आ गया इसमें। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने देसी घी से एक प्लेट ग्रीस की है, सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे फैला देंगे और हल्का सा इसे टैप करेंगे। टैप करने का मतलब यह है कि अगर इसमें एयर है तो वो निकल जाएगी। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में बॉयल्ड पानी रखा करने के लिए, उसमें एक छोटी सी कटोरी रखी, उसके ऊपर अपनी प्लेट रखी, उसके ऊपर हम लिड लगाएंगे। मीडियम आंच पर हमने 10 मिनट इसे स्टीम होने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह स्टीम हो चुका है, आप देख सकती हैं, जरा भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। इस प्लेट को हम ठंडा करेंगे, अब निकालेंगे और ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ हमने दूसरी कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाल रहे हैं हम। हमने प्योरी पहले से बना कर रखी है, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, अगर आप लहसुन खाती हैं तो लहसुन भी ले सकती हैं। कुछ हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं, जो खड़े मसाले आप पसंद करती हैं वो डालें। शाही जीरा 1/2 चम्मच और इसके बाद हम अपनी प्योरी डाल देंगे इसमें। प्योरी को हम मीडियम आंच पर भुनेंगे। जो हमने बेसन स्टीम किया था वो हो चुका है, अब हम इसे काटेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकती हैं, मैं स्क्वायर शेप में इसे काट रही हूँ, जिस तरह हम बर्फी काटते हैं उस तरह काट रही हूँ। ये देखिए एकदम अच्छी तरह पकी हुई है। सभी को हमने निकाल लिया, इसका टेक्सचर आप देख सकती हैं एकदम अच्छा है, बर्फी नुमा आया टेक्सचर इसका। मसाला हमारा भुन चुका है करीब करीब, अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, धनिया पाउडर, इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर हमने फ्रेश क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम भी अच्छी तरह मिल चुकी। अब हम नमक डालेंगे, आखिर में हमने नमक डालना है फ्रेश क्रीम के बाद। अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल रहे हैं, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहती हैं उतना पानी डालें। ग्रेवी हमारी खौल चुकी है, अब हम इसमें जो हमने मेथी के पीसेस काट रखे थे वो डालेंगे। इसे हमने लिड लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम लिड हटाकर देखें, सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। ऊपर से हम फ्रेश धनिया डाल रहे हैं। इस सब्जी को हमने सर्व कर दिया।
बेसन मेथी की स्वादिष्ट रसेदार सब्जी बनकर तैयार है। इस तरह अगर बेसन मेथी की सब्जी आप बनाती हैं तो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही शौक से और बहुत ही चाव लेकर खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।